भाजपा नेता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने राज्य सरकार से राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में ऐसे कई स्थान हैं जहां फिल्मों की शूटिंग की जा सकती है। साथ ही उन्होंने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का जिक्र करते हुए बताया कि उनके फिल्म ने साबित कर दिया है कि जमशेदपुर में बड़े बैनर की फिल्में भी बन सकती है। ये बातें उन्होंने जमशेदपुर के कलाकारों द्वारा निर्मित एक म्यूजिक एल्बम के विमोचन के दौरान कही। उन्होंने बताया कि आज के युवा काफी प्रतिभावान हैं और लोकल फॉर वोकल के थीम पर काम करने में सक्षम हैं। वहीं पूर्व विधायक ने बताया कि राज्य में फिल्म इंडस्ट्री एक उद्योग का रूप ले सकता है। बताया जाता है कि जिस एल्बम का विमोचन उन्होंने किया उसके सभी कलाकार और सभी सीन जमशेदपुर के हैं। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। ठीक है चलते रहने दो बोलिए देख लीजिए तब लिंक मंगा के देख लीजिए। छोटे भाई कुशाग गौतम और उनकी पूरी टीम को जिसने इस म्यूजिक वीडियो को बनाया है जिसका लॉन्च आज हम लोग सारे लोग कर रहे हैं। और जैसा कि कुशाग ने बताया कि इसकी पूरी शूटिंग जमशेदपुर में हुई है और जो इसकी पूरी टीम है जो मेंबर्स है म्यूजिक डायरेक्टर जो कंपोजर हैं जो स्टूडियो है सारा कुछ जमशेदपुर में है। तो अभी जो वोकल से लोकल या लोकल से वोकल की बात हो रही है ये भी बहुत प्रासंगिक है कि अब आप जानते हैं कि कोरोना के समय में लॉकडाउन के समय में बाहर जाना जो परिवहन है आवागमन है सब पर बहुत तरह की बंदिशें लगी हुई हैं। इन चीज़ों को समझते हुए हमारे युवा साथियों ने अपनी कला को प्लेटफॉर्म देने के लिए जमशेदपुर और इसके आसपास के लोकेशंस का इस्तेमाल किया यहाँ के स्टूडियो का इस्तेमाल किया यहाँ के लोकल टैलेंट का इस्तेमाल किया इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जैसा कुशाग ने बताया कि अमेजोन पर अवेलेबल है आईट्यून्स पर अवेलेबल है तो पूरी दुनिया इसको देख सकती है इसको सुन सकती है इसको एंजॉय कर सकती है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से आज राज्य सरकार से भी अनुरोध करना कि ऐसे लोकल टैलेंट्स को प्रमोट करें इनके लिए प्रॉपर पॉलिसी बनाए जिससे कि यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री भी ग्रो कर सके और आने वाले दिनों में ऐसे स्थानीय कलाकारों को और बड़े प्लेटफॉर्म्स मिले। आप जानते हैं अभी हाल के दिनों में दिल बेचारा की लगभग 80% शूटिंग जमशेदपुर में हुई थी। सुशांत राजपूत हमारे बीच नहीं है उनकी आखिरी मूवी थी और इस मूवी के माध्यम से भी पूरी दुनिया को जमशेदपुर के कई ऐसे लोकेशंस के बारे में जानकारी मिली जो सोच भी वो नहीं सकते थे कि जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में इतने बेहतरीन लोकेशंस हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे युवा कलाकारों को मौका मिले मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यही अनुरोध।